subscribe to ADA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show. So, आज का हमारा जो शो होने वाला है उसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस कुछ दिन से रिलेटेड हैं. सो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं ऑनलाइन, आप यहाँ पर सेशन को लाइक कर सकते हैं ताकि हम अपने सेशन को शुरू करें. तो चलिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पर देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट कोट क्या है. डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन. आपको तब नहीं रुकना है जब आप टायर्ड हो जाए, क्योंकि आप प्रिपरेशन करते हुए आप थक सकते हैं. आप ये सोच सकते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, बट उस टाइम आपको नहीं रुकना है. आपको उस दिन रुकना है जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन आप अपना गोल लाइफ में अचीव कर ले. सो वो दिन होगा जिस दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कोई रेस्ट नहीं है. आपको मेहनत करते रहना है और कंटिन्यूअसली अपना 100% यहाँ पर देना है, 100% एफर्ट करना है. तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखिए ये आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो बैंक से रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द बैंक ऑन व्हील्स फैसिलिटी रिसेंटली. बैंक ऑन व्हील्स फैसिलिटी लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है इनमें से, ये आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है. सो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बैंक ऑन व्हील्स. अभी ये चीज़ है क्या यहाँ पर, अगर आप किसी व्हीकल में अपना बैंक खोल देते हैं, लाइक कोई भी आपका कार वगैरह है जो ट्रैवल कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ऐसा मूविंग अगर बैंक आप लॉन्च करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बैंक ऑन व्हील्स बोला जाता है. ऐसा लॉन्च करने वाला बैंक कौन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक. अब अगर आपको पता हो देर इज रिसेंट अपॉइंटमेंट इन द इंडियन ओवरसीज बैंक, Indian Overseas Bank MD and CEO has been changed. Okay, so the question for you is, who is the MD and the CEO of Indian Overseas Bank and where is the headquarter of Indian Overseas Bank? So iska headquarter kahan par hai aur MD kahan kon hai iske, ye aap yahan par comment section mein batayenge. Dekho iska jo headquarter hai wo kahan par hai, headquarter is in Chennai and MD is Karnam Shekhar. Okay, कर्णम शेखर जो हैं वो एमडी हैं. किसके एमडी हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी हैं. उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, आर सुब्रमण्यम को. ओके, उन्होंने आर सुब्रमण्यम जी जो हैं उनको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द आकाश मिसाइल. ठीक है, तो आकाश मिसाइल जो है उसको टेस्ट फायर कौन सी स्पेस एजेंसी ने यहाँ पर किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. तो यहाँ पर वो कोई स्पेस एजेंसी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एजेंसी है उसका नाम क्या है, DRDO है. ओके, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ DRDO. अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि DRDO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है एंड द सेक्रेटरी जनरल कौन है, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. अब देखिए DRDO का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आपको न्यू दिल्ली बताना है एंड द सेक्रेटरी जनरल इज जी सतीश रेड्डी. यहाँ पर आपसे इसरो से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है. और के शिवन जो हैं वो चेयरमैन है किसके, इसरो के. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर याद रख लेनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has sworn in as the next Chief Minister of Arunachal Pradesh? आपको पता हो अभी रिसेंटली दो और स्टेट हैं जिनके चीफ मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं. सो ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. यहाँ पर देखो जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका वो सेकेंड टर्म है, यानी फिर से वही बन गए हैं, यानी पेमा खंडू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो पेमा खंडू जो है उनका कौन सा टर्म है, दिस इज द सेकंड टर्म फॉर हिम. अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, बीडी मिश्रा इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पर दो और स्टेट हैं जिनके चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं जो आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहे हैं. ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहे हैं जगन मोहन रेड्डी, वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं आंध्र प्रदेश के.
ओके और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, पवन कुमार चामलिंग को रिप्लेस किया है जो हमारे इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको रिप्लेस करने वाले बन गए हैं पीएस गोपे। यहाँ पर गोले आना चाहिए थे, GOLEY आना चाहिए थे उनका नाम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रख ली थी सारी चीज़ें। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर सावरकर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन द 28 मई को हम किसका मनाते हैं, वीर सावरकर जी हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ही वॉज अ फेमस वॉट, वो क्या थे, रेवोल्यूशनरी थे, डांसर थे, म्यूजिशियन थे या फिर नन ऑफ दीज, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। अब आपको याद रख लेना है जो वीर सावरकर थे या फिर उनको वी डी सावरकर भी बोला जाता है, वो एक पॉलिटिशियन थे, राइटर थे, एज वेल एज वो क्या थे, एक रेवोल्यूशनरी थे। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके उन्होंने हमारे रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, फ्रीडम फाइटर भी बोल सकते हैं हम उनको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड बाय द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट असेंबली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। सो आपको बताना है इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कौन सी कंट्री को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। एंड वन मोर क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट, ये यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट असेंबली है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बोथ क्वेश्चन आर फॉर यू। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। तो इंडिया को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अगेन अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, नैरोबी। अब नैरोबी किसकी कैपिटल है, केन्या की है। ओके सो केन्या की जो कैपिटल है वो नैरोबी है, जो इसका क्या है, हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली का। ओके सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो यहाँ पे देखो ये सारे जो अनाउंसमेंट किया गया था यूनाइटेड नेशंस असेंबली में ही किया गया था। अब वो असेंबली जो थी उसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है, अगेन उसका वेन्यू भी क्या रहा था, नैरोबी ही रहा था। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उसका थीम क्या था, तो अगर आपसे थीम पूछा जाए तो आपको बताना है इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज एंड कम्युनिटीज, दिस इज अ थीम। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको आंसर करना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक डेडलाइन रखी थी जहाँ पर स्टेट्स को बोला गया था अपने डिस्पोजल जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसके अंडर कितने स्टेट्स पर फाइन लगाया जाना है, ₹1 करोड़ का, यानी हर एक स्टेट पे 1 करोड़ का यहाँ पर फाइन लगाया जाएगा। टोटल स्टेट कितने इसमें आने वाले हैं, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर टोटल स्टेट्स जो आने वाले हैं वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 25 स्टेट्स। तो 25 स्टेट्स पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर फाइन लगाने वाला है। सो यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चेयरपर्सन या फिर आप बोल सकते हैं चेयरमैन कौन है एनजीटी के। तो एनजीटी का अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, ए के गोयल या फिर आप बोल सकते हैं आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल क्या है, एनजीटी के चेयरमैन है। ये आपसे आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में, रेलवे में, एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डेफिनेटली। ओके तो तब तक हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द मोनैको ग्रैंड प्रिक्स, देख मोनैको ग्रैंड प्रिक्स जो था फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का एक कॉम्पिटिशन होता है आपको पता है, तो यहाँ पर ये चैंपियनशिप जो है वो किसने जीत लिया है, ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो चैंपियनशिप जीता है वो कौन है, ए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज लेविस हैमिल्टन। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेविस हैमिल्टन जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो लेविस हैमिल्टन जो है वो क्या है, मर्सिडीज ड्राइवर है और वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, यूके से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। मोनैको जो है वो एक कंट्री है यूरोप में। ओके तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल में, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अगेन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, वट इज़ द वेन्यू ऑफ ISSF वर्ल्ड कप, जो इस बार का वर्ल्ड कप ये हो रहा है उसका वेन्यू क्या है। दोनों ही क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर करना है। देखो तो यहाँ पर इसका जो म्यूनिक जर्मनी जो है वो इसका वेन्यू है,
ठीक है, ये चैंपियनशिप कहाँ पर चल रही है? म्यूनिक जर्मनी में चल रही है। इसमें जो गोल्ड मेडल जीत लिया है वो किसने जीता है? अपूर्वी चांदेला ने जीता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। सो शी इज फ्रॉम राजस्थान। अपूर्वी चांदेला कहाँ से हैं? राजस्थान से बिलोंग करती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ट्री एम्बुलेंस इनिशिएटेड इन विच स्टेट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हमारी कंट्री का पहला जो ट्री एम्बुलेंस है वो कौन से स्टेट में शुरू किया गया है, इनिशिएट किया गया है। अब ट्री एम्बुलेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या किया जाएगा? सीड बैंक्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ट्री प्लांटेशन किया जाएगा, यानी ट्रीज से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो ऐसा करने वाला स्टेट कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज तमिलनाडु। ओके, सो आंसर यहाँ पर आपको तमिलनाडु याद रख लेना है। आपसे पूछा जा सकता है इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो आप बता देंगे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज़ एम वेंकैया नायडू हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ग्रीन मैन ऑफ इंडिया? इंडिया के ग्रीन मैन कौन है, किसको बोला जाता है, क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आपको बताना है कि अब्दुल जो हैं वो कौन है, हमारे ग्रीन मैन ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ये जो ट्री एम्बुलेंस है उसको शुरू किया गया था, ये इनिशिएटिव जो है उन्होंने ही प्रपोज किया था, तो हमें उनका नाम भी याद रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है जब भी ये मीटिंग होती है तो आपसे पूछा जा सकता है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दैट इज़ RCEP 2019 इंटरसेशनल मीटिंग जो है वो कहाँ पर रही है, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ इट। सो यहाँ पर जो वेन्यू रहा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ बैंकॉक। तो आपको बैंकॉक यहाँ पर याद रख लेना है। देखो आज आपका ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 10 में से आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट किए हैं। अगेन आज आपका 4 PM पर एक क्लास होने वाला है, दैट विल बी ऑन बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, सो बैंकिंग अवेयरनेस का एक क्लास होने वाला है 4 PM पर, वो भी आपको यहाँ पर अटेंड करना है। सो तब तक देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फांगोपुई इज अ फेमस नेशनल पार्क इन विच स्टेट। आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नेशनल पार्क से रिलेटेड है। आई विल ट्राई कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए जाएँ ताकि आपका स्टैटिक अवेयरनेस जो पार्ट है वो भी कवर हो। सो आपको यहाँ पर बताना है क्या है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर जो आपको स्टेट याद रख लेना है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ मिजोरम। तो मिजोरम में ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है जो है आपको पता होना चाहिए, वो भी वो है मुरलेन नेशनल पार्क। तो इन दोनों नेशनल पार्क से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ मिजोरम। तब तक हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो हु इज़ द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आपको पता हो अगर करंट अफेयर अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के प्रेजिडेंट जो है उन्हें अब रिसेंटली अपॉइंट किया गया है फिर से। सो वो कौन बन गए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैंने रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा जो है उनका ये फिर से टर्म है, 2018 में उन्होंने रिप्लेस कर दिया था किसको किया था, जैकोब जूमा को। और वो फिर से क्या बन गए हैं यहाँ पर हमारे ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो सिरिल रामाफोसा का नाम आपको यहाँ पर याद रख लेना है। वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं आफ्टर 1994, तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे ही इज़ द फिफ्थ प्रेसिडेंट। कौन से प्रेसिडेंट है, वो फिफ्थ प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज़ द वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 281 एंड बियॉन्ड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर। यहाँ पर जिन भी लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है उनको डेफिनेटली आंसर आना ही चाहिए। आपको बताना है यहाँ पर 281 एंड बियॉन्ड जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ VVS लक्ष्मण। ओके, सो VVS लक्ष्मण जो है उनका नाम आपको यहाँ पर याद रख लेना है। आप यहाँ पर बता सकते हैं, एक और क्वेश्चन है, नो स्पिन जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। ये आपको यहाँ पर सेशन के खत्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स फॉर अप्रैल 2019 के लिए यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का
मोबाइल इंटरनेट स्पीड है वो कितना कम हो गया है, यहाँ पर इंटरनेट स्पीड आना चाहिए था, तो आपको बता रहे उसके बेसिस पर कितना रैंक है, पहले से रैंक जो है वो कम हो गया है, अब मोबाइल इंटरनेट स्पीड जो है इंडिया का डिक्रीज हो गया है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ 121। अब यहाँ पर दो स्पीड्स होते हैं जो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, वन इज़ मोबाइल स्पीड, मोबाइल इंटरनेट स्पीड, एंड सेकंड इज़ ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो देखो आपको दोनों ही फैक्ट्स यहाँ पर याद रख लें, मोबाइल स्पीड का रैंक क्या है और ब्रॉडबैंड का क्या स्पीड यहाँ पर रैंक है। ठीक है, तो मोबाइल से रिलेटेड अगर आपसे रैंक पूछा जाएगा तो आपको 121 बताना है, ब्रॉडबैंड का पूछा जाएगा तो 68 बताना है। मोबाइल में किस कंट्री ने टॉप किया है, नॉर्वे ने टॉप किया है, ओके। और यहाँ पर ब्रॉडबैंड में किसने टॉप किया है, सिंगापुर ने टॉप कर दिया है, ओके। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर याद रख लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसने निकाली है, तो पब्लिश्ड बाय द उकला, इन्होंने ये रिपोर्ट क्या की थी, पब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है, विच इज़ रिलेटेड टू अ फेस्टिवल, द इसाला प्रिहारा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल। ये क्या है, एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, लेकिन किस कंट्री से यहाँ पर रिलेटेड है, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, दे आर टू क्वेश्चन फॉर यू, आपको क्या क्या बताना है मुझे, नो स्पिन जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, और क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर है, ये भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। सो स्लाइड हटा दीजिए, ओके। सो आज के सेशन में देखिए हमने टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका एसबीआई पीयू एग्जामिनेशन आता है या फिर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन आता है। देखो अभी आपके नोटिफिकेशन जो है आरआरबी और आईबीपीएस पीयू के लिए भी आने वाले हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आपका जनवरी से लेकर और लास्ट तक का करंट अफेयर काम आने वाला है, क्योंकि कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप प्रीवियस पैटर्न देखेंगे तो 7 से 8 मंथ का वहां पर करंट अफेयर पूछा गया था। सो ट्राई करो कि अपना पूरा जो करंट अफेयर है उसको याद रखो, डेली बेसिस पर करंट अफेयर करो, और वहाँ पर ये डेली बेसिस पर आप एमसीक्यू सेशन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप सेशन के खत्म हो जाने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। Subscribe to ADA247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.